अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध कॉलोनाइजर की सूची जारी कर दी है। इसमें अयोध्या सदर के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक गोरखनाथ और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी शामिल है। सूची में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेनामा करने वाले सुल्तान अंसारी और उनके पिता नन्हे मियां का भी नाम शामिल है। ज्यादा अवैध जमीन को कब्जाने की होड़ में मांझा जमथरा में चल रही है। यहां लगभग 30 आला अधिकारियों और नेताओं ने भी मिलीभगत से प्लॉट ले रखे हैं, जिसमें कुछ चर्चित महंत भी शामिल है। आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मसले पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि हमने पहले ही कहा है और फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। इसके साथ ही अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भू माफिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजा था। उन्होंने अयोध्या में जमथरा से गोलाघाट तक भू माफिया की ओर से नजूल और सरयू नदी की डूब की भूमि में किए गए अवैध कब्जों की SIT से जांच कराने की मांग की थी। चर्चा है कि उसी पत्र पर ये कार्यवाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।